गर्मी हसरतें नाकाम से जल जाते हैं, हम चरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। शमा जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं। बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री बिपाशा बासु हिंदी सिनेमा में हॉरर फिल्मों के लिए काफी ज्यादा फेमस हैं। बिपाशा बासु ने हिंदी सिनेमा में अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2001 में अब्बास मस्तान की फिल्म अजनबी से की थी। बिपाशा अब तक के सफर में करीब 50 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं। बिपाशा हिंदी फिल्मों के अलावा तमिल, तेलुगु और बंगला फिल्मों में भी नजर आई हैं। 7 जनवरी 1968 को नई दिल्ली में बंगाली परिवार में बिपाशा बसु ने जन्म लिया था। उन्होंने अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत 1996 में कोलकाता से की थी। बिपाशा ने पहली बार गोदरेज सिंथॉल सुपर मॉडल में भाग लिया और इसकी विजेता भी बनी। इसके बाद ही 2001 में अजनबी फिल्म से अपना डेब्यू किया और फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट हुई। साल 2003 में आई फिल्म जिस्म बिपाशा बसु के करियर की ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म में बिपाशा नेगेटिव रोल में जॉन अब्राहम के ऑपोजिट नजर आईं। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। बिपाशा बसु ने हिंदी सिनेमा में जितनी चर्चा बटोरी उससे कहीं ज्यादा मीडिया में उनकी लव लाइफ सुर्खियों में रही। हिंदी सिनेमा में कदम रखने के बाद बिपाशा बसु का पहला नाम उनके को स्टार और अभिनेता डीनो मारिया के साथ जुड़ा था। डीनो मारिया उनके साथ कई फिल्मों में नजर आए थे जिनमें राज, गुनाह, रक्त जैसी फिल्में शामिल थीं। इसके बाद बॉलीवुड हंक जॉन अब्राहम के साथ भी काफी समय तक वो रिलेशनशिप में रहीं। बाद में बसु ने करण सिंह ग्रोवर के साथ शादी कर ली। बिपाशा की चर्चा सिर्फ फिल्मों की वजह से ही नहीं बल्कि वो अपनी सेहत और फिटनेस को लेकर भी काफी लोकप्रिय हैं। श्रेया के साथ अंकुर, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली। गर्मी हसरतें नाकाम से जल जाते हैं, हम चरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। शमा जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं।